बढ़ा लिया, कमिटमेंट, मैजिक एंड प्लेस। ठीक है, कमिटमेंट, प्लेस एंड मैजिक ये बढ़ा है। लाइफ लक बढ़ा हुआ है इसके अंदर। 10 planets ले लिए, सन, मून, मरकुरी, वीनस, जुपिटर, मार्स। इसके अंदर नेपट्यून और प्लूटो हमने एक्स्ट्रा बढ़ा लिया, यूरेनस भी। एक हमारा ये होता है जिसके अंदर 13 crystals होते हैं। इसमें अगेन हम प्लैनेट्स लेते हैं साथ में, जो 6 representing होता है एलिमेंट्स का, अर्थ, एयर, फायर, वाटर, स्पिरिट एंड यूनिवर्स। अब इन सबके मैं आपको मीनिंग भी दे रही हूँ। अगर हमारे ये क्रिस्टल्स रोल होते हैं, ठीक है, हमारे बोर्ड पे, तो उन सबका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये हम 3 type के अलग, अगर आपको नहीं भी करना ना, आपका मत, आपने ये सारे क्रिस्टल्स बना लिए तो यू कैन इवन मिक्स देम। मैंने क्या कर रखा है, मैंने ये स्पेशली 6, ये जो 13 वाले क्रिस्टल्स है, सॉरी 16 वाला मैंने पैक बना रखा है, जिसके मेरा अर्थ, फायर, ये सारे एलिमेंट्स और जो मेरा फर्स्ट वाला था, ये सब मिक्स है। ये फर्स्ट वाला और इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स भी डाल दिए। ठीक है, ये मैंने मिक्स बना लिया। और एक मैंने खाली स्क्रीन का बना रखा है, जो हमारा सेकंड वाला था ना, कि मैंने सारे स्क्रीन का बना रखा है, मैजिक, मार्स, सारे प्लैनेट्स वगैरह भी सब स्क्रीन का, ये सारा मैंने स्क्रीन का बना लिया, क्योंकि स्क्रीन अपने आप में बहुत ही बढ़िया क्रिस्टल है। दिस इज प्लेस, ये मैंने सेकंड वाले का बना रखा है, मर्क्यूरी। मैम रॉ में भी बना सकते हैं ना? मैं वैसे ट्रोल हाँ, करना रॉ में क्या है, लेकिन देखिए, जब भी आपको क्रिस्टल्स निकालने हैं ना अपने पोटली में से, तो या फिर बॉक्स में से रोल करने हैं, तो वो जो क्रिस्टल्स होंगे ना, अप्रोक्सीमेटली सेम उसके होंगे डिनोमिनेशन, लाइक उनके साइज, राइट? तो हमें पता है, वी शुड नॉट बी बायस इन टेकिंग आउट क्रिस्टल्स। तो हमारे हाथ में जो क्रिस्टल्स, अगर रॉ है तो सारे रॉ है, टेम्पल फॉर्म से सारे टेम्पल फॉर्म है। हमें यही पता चलना चाहिए कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्या नहीं। तो आपको एक जैसे क्रिस्टल चाहिए। एक सेट मैंने सिट्रीन का पूरा रॉ क्रिस्टल का बना दिया। जब हम ये सेट बना लेंगे, लाइक ये मेरा एक सेट है सिट्रीन का, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम इसको एन्चेंट किया था, हम इसको क्लीन एंड क्लियर करेंगे, फिर इसको हम ब्रीदिंग टेक्निक से चार्ज करेंगे। ब्रीदिंग टेक्निक से चार्ज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ब्रीदिंग टेक्निक से कैसे होता है हमारा चार्ज? ब्रीद इन एंड वाइल्ड ब्रीदिंग इन, कौन बताएगा? नहीं, चेतना जी बताएंगे। बताइए चेतना जी, हमने लास्ट टाइम कैसे किया था ब्रीदिंग टेक्निक से? हम पहले जब ब्रीद इन करेंगे तो डिवाइन एनर्जी पूरे अपने बॉडी में रखेंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो क्रिस्टल्स पे जब हम छोड़ेंगे विद ब्रीदिंग करेंगे इंटेंशन। तो वी विल विजुअलाइज कि वी आर ब्रीदिंग इन द डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी, ब्रीदिंग इट इन फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से वो एनर्जी हमारे अंदर जा रही है, एकदम फ्रेश डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी। वी विल होल्ड दैट एनर्जी विद इन आवर सेल्फ। जब हम होल्ड करेंगे तो एक विजुअलाइजेशन लाएंगे, वॉट एवर द पर्पज ऑफ दैट डिविनेटरी प्रोसेस। अगर हम कोई भी प्रोसेस करें, सपोज कोई जो क्वेश्चन है, हम उसको अच्छे से विजुलाइज करेंगे, या फिर हम सब ये विजुलाइज करेंगे कि ये जो सेट ऑफ क्रिस्टल्स यूज होंगे फॉर द बेस्ट पर्पस यूज होंगे, वो हमेशा राइट आंसर्स देंगे। ठीक है, हमें ये पूरा उसको ना, अपनी ब्रीथ को जो हमने अंदर लिया है, कॉस्मिक एनर्जी को चार्ज कर देना है अपने थॉट फॉर्म से, एंड वी विल ब्रीथ आउट दैट ब्रीथ ऑन दोस क्रिस्टल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड जरूरी है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर रोनल, दिस वॉज फॉर यू। आपने लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना, आपको नहीं पता था। आप जस्ट ब्रीदिंग टेक्निक से ये सारा चार्ज कर लीजिए। जब ये चार्ज हो जाएगा, अब आते हैं हमारा कास्टिंग। हम कास्ट कैसे करते हैं? कास्टिंग के लिए मैंने आपको कास्टिंग बोर्ड्स 5 शेयर किए हैं। अपने जरूरतों के हिसाब से हम वो कास्टिंग बोर्ड लेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ये मतलब समझ लेते हैं, व्हाट डज एयर स्टैंड्स फॉर। एयर जो होता है, अगर आपका ये रोल होता है एयर का कहीं भी, तो एयर का मतलब होता है विशेष। सी, एयर इज आर हार्ट, है ना? एयर एलिमेंट हमारा हार्ट को भी डिनोट करता है। एयर एलिमेंट क्या होता है? हवा में होता है, लाइक आर सबकॉन्शियस माइंड को भी हम कह सकते हैं। विशेष, होप्स, ड्रीम्स एंड इंस्पिरेशन, मोस्टली एयर से ये ही डिनोट होता है। योर विशेष, योर ड्रीम्स, इंस्पिरेशन,
कमिटमेंट से क्या होगा, जब भी कमिटमेंट वाला क्रिस्टल आएगा तो वेयर यू आर आस्क्ड टू मेक और मेंटेन एन अलायंस इंटरलॉकिंग सर्कल्स, ठीक है. कमिटमेंट इंटरलॉकिंग सर्कल्स मीन्स अगर हम इसका इंटरलॉकिंग सर्कल हम इसका सिंबल करेंगे, आप ना सिंबल्स खाली यू नॉट नेसेसरी कि आप नाम लिख रहे हो, अगर आप सिर्फ सिंबल्स बना देंगे तो यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रिमेम्बर वॉट दी सिंबल्स स्टैंड फॉर. और आपको सिर्फ इनके वजह से हमें रूनस पे नहीं होती, क्रिस्टल पे सिंबल्स बने होते, सेम आप सिर्फ इन सिंबल्स के साथ ही अपना मतलब ये थ्रो कर सकते हैं, ठीक है. कमिटमेंट का मतलब कि आपको जो रिलेशनशिप है मेंटेन करने के लिए, लाइक प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप कमिटमेंट. अर्थ सिक्योरिटी ऑफ होम, स्टेबिलिटी, फैमिली, फ्रेंड्स, ग्राउंडिंग, ठीक है. अर्थ, अर्थ एलिमेंट, रूट चक्र. फायर, सोलर प्लेक्सस, विल पावर, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस एंड पैशन. जुपिटर, इट्स ऑल अबाउट जुपिटर किसके बारे में होता है, मनी, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ऑल्सो जनरोसिटी, जस्टिस एंड ऑल्सो नॉलेज, है ना. गुरु होते हैं ना, ऑल्सो नॉलेज. लाइफ, वॉट द मेन फोकस ऑफ योर एनर्जीज आर, मतलब आपकी लाइफ का फोकस क्या रहेगा, वॉट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ, बेसिकली ये कि तो जहाँ पे भी ये बोर्ड पे रोल होगा आपकी लाइफ का पर्पज वो डिनोट करेगा कि दिस इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ अभी फिलहाल फॉर द टाइम बींग, और शुड बी या एट द मोमेंट क्या है. और इसका आप बना सकते हैं आप आईज, इसका सिंबल आईज हो सकता है. लव, ठीक है, दिस इज ऑल अनकंडीशनल लव. और डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, रोमांटिक लव है, अफेक्शन है, बच्चों के साथ है, यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव. लक या फॉर्च्यून क्या होगा, वेयर यू मे एक्सपेक्ट और एन अनएंटिसिपेटेड बेनिफिट और गिफ्ट. क्लोवर क्या होता है, क्लोवर एक लीफ होती है, ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको. मतलब चार तरफ से ऐसी ये लीफ होती है, लाइक दिस, ये दिस इज क्लोवर, इस टाइप की लीफ होती है. तो लक के लिए बहुत लकी मानी जाती है वो लीफ. Having that leaf with you is considered to be very very lucky. So clover luck के साथ associated है. Magic, अगर magic का आपका crystal आ रहा है कहीं आ रहा है तो otherworldliness where you can apply magic or expect it to happen. Five pointed star इसका होगा symbol. Magic again क्या होता है, unexpected चीजें होती है ना, magic तो वही होता है जो हम expect नहीं कर सकते. Mars, अगर Mars आता है, Mars is related to actions, courage, conflict, battles and defensiveness. Of course, है ना, Mars तो पता ही है. Mercury, again intelligence, communication, throat chakra, self-improvement, overcoming bad habits. This is Mercury. Neptune, dreams, fantasies, illusions, see, dissolving kind of. Change. जब चेंज चाहिए होता है, वो चेंज जो डिसॉल्व हो सकता है. प्लेस वेयर यू नीड टू बी और फील एट होम इन द सिचुएशन. प्लूटो, द डार्क इंपल्सेस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला. प्लूटो, अगर प्लूटो कहीं भी आता है आपकी सोसाइटी में, और बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव, आप क्या चाहते हो और क्या हो रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट. प्लूटो ये दिखाता है कहाँ पर है, कहाँ आपको होना चाहिए. Saturn, longevity, protection, purification, hard lessons. Spirit, the need of self, communication with the divine. ठीक है, the spirit of self and communication with the divine. Spirit, simple spirit का मतलब. Universe, our place in the grand scheme of things on a cosmic level. मतलब भगवान की यही इच्छा है, अगर simple सीधे अक्षरों में बताएं, यही इच्छा है, उस इच्छा को हमें follow करना है. Uranus, sudden change, the unusual technology. Venus, love, beauty, sensuality, fidelity, water, compassion, reconciliation. ये हम सब जानते हैं, है ना, जस्ट यही चीजें हम लोग बार बार करे जा रहे हैं, तो आपका ये रिविजन हो रहा है. Water, compassion, reconciliation, healing, cleansing, flow, adaptability. Already we have done all these things. अब करना क्या है, देखिए जब हम थ्रो करते हैं ना क्रिस्टल्स, तो इट कैन हैपन कि कुछ क्रिस्टल्स एक दूसरे के पास है, कुछ क्रिस्टल्स अकेले है, कुछ क्रिस्टल्स आपके बोर्ड से बाहर चले गए. सपोज अब मैं एक बोर्ड बनाती हूँ, हमने लास्ट टाइम सर्कल का क्या था, लेट अस स्टार्ट विद सर्कल, जो हमारा सबसे ज्यादा सिंपल है. हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है,
अब दिस सर्कल कैन बी 8 inches इन डायमीटर, 12 inches इन डायमीटर, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं, यही होता है मोस्टली, और आपके क्रिस्टल का साइज कितना बड़ा है. अब देखिए ये जो मैंने आपसे शेयर किया है सर्कल है, ये इंटरप्रिटेशन इज कम्प्लीटली फ्री फॉर्म व्हाट स्टोन्स लैंडेड नियर ईच अदर. हमें कैसे देखना है कौन सा स्टोन एक दूसरे के पास है, सेंटर से सबसे ज्यादा सेंटर में सबसे कौन सा क्लोज क्रिस्टल है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर सबसे लास्ट में कौन सा क्रिस्टल है, ठीक है इस तरीके से, और कौन से क्रिस्टल एक साथ है, कौन से अलग अलग है, इस तरीके से हमें करना है. अब हम क्या करेंगे, आप सब लोग पेपर पे बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए. ऑलराइट, अभी मैं ये वाला सेट यूज करती हूँ. I'm using the citrine set. आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. लास्ट टाइम मैंने बताया था हमारा क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम करेंगे राइट हैंड से उसको शफल करेंगे. Why? Right hand because it is giving hand. Energy जाएगी. तो आपकी जो intention है सबसे पहले हम crystals को देंगे कि what the question should be, मतलब what is your intention. So we are shuffling the crystal with the right hand, giving our intention. ठीक है, अब कोई भी purpose देते हैं कि अभी आगे आने वाले टाइम में व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अभी इतनी सारी लड़ाई और ये यूक्रेन की लड़ाई हुई जो भी हुआ, अभी हमारा कैसा रहेगा. ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन. तो मैंने ये क्रिस्टल्स लिए और ये सर्कल में थ्रो कर दिए, कुछ बाहर गए, सेंटर के पास कुछ भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया. मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, दिखाते रहूं. दूसरे कैमरा से, दूसरे कैमरा से मैं इसको दिखा. देखिए अब क्या सारे या वन पीस में जितने भी स्टोन्स आएंगे उनको मैंने सारे डाले हैं. ये वाले जो सर्कल के बाहर गए उनका कोई रोल नहीं है. अब सर्कल के बाहर कौन कौन सा गया है, अगेन कमिटमेंट गया, मतलब इंडिया के साथ इतने ज्यादा लोग नहीं है. नेपच्यून गया, मून गया, लाइफ लाइफ वीनस, मर्करी गया, जुपिटर गया, जुपिटर गया, प्लेस भी गया, बहुत कम बचे हैं, वीनस भी गया. क्या हो रहा है भाई इंडिया, बट इंडिया के साथ देखो सबसे ज्यादा सेंटर में देखिए ये वाला क्रिस्टल है. मैं इसको पिन कर देती हूँ, पिन नहीं हुआ मैंने. आया एकदम सेंटर में ये वाला क्रिस्टल है. दिस इज लक, लकी है ना. हाँ दिस इज लक, ठीक है. इसका मतलब इंडिया के पास अभी सबसे ज्यादा लक. Of course, India is emerging as one of the growing countries of the world. तो अभी India के लिए luck है, magic तो हुई रहा है भाई. हमारे मोदी जी जब से आए तो I am too in favor of मोदी, magic तो हुई रहा है. तो India में ऐसी ऐसी चीजें, इतनी growth हो रही है, unbelievable ऐसी चीजें हो रही हैं, तो of course magic हो रहा है और मे भी भगवान की कृपा है, ठीक है. इसके बाद अब आप देखिए आउटर एज पर है, मतलब इंडिया के साथ आप जब हमने यूक्रेन का किया तो कितना गलत आया ना, आपने देखा. जब हमने इंडिया का किया तो बिकॉज देयर इज जो इंडिया की एक्चुअल सिचुएशन है वही है. अभी लक और मैजिक आया, मतलब इंडिया को सब लोग देख रहे हैं ना फॉर हेल्प, बिकॉज इंडिया हैज सब पोटेंशियल्स. अगेन देखिए एक और लक वाला, पिछली बार तो दोनों लक वाले चले गए थे, इस बार दोनों लक वाले इंडिया के पास आए और ये एज पर है. इसका मतलब कमिंग फ्यूचर, ठीक है. ये जो मिड होता है दिस इज नियर फ्यूचर, और उसके बाद ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड फ्यूचर में भी इंडिया के पास लकी है. तो इंडिया का भविष्य हम अच्छा सुनहरा ही देख सकते हैं. सन, गवर्नमेंट बहुत ग्रो करेगी, ठीक है. हमें बहुत हेल्प मिलेगी ओवरऑल, जो वर्ल्ड एसोसिएशन है सबसे हमें हेल्प मिलेगी. प्लूटो,
मार्स देखो लड़ाई होने के है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान से कुछ ना कुछ होगा अगर ये आया है हमारा इधर मार्स आउटर, लेकिन अभी एकदम से नहीं, आगे जाके पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होनी हो सकता है। आप एक चीज और देखो, अगर जब मैं इंडिया के बारे में या फिर यूक्रेन या रशिया के बारे में देख रही थी तो मेरे माइंड में एक चीज और चल रही थी, दिस सर्कल इज जस्ट लाइक दी मैप फॉर मी। अगर मैं ये इंडिया का मैप देखती तो इधर कौन आता है? पाकिस्तान। अगर मैं रशिया और यूक्रेन का देख रही थी तो इधर रशिया था और इधर यूक्रेन था, यही है मैप पे। तो आप देखेंगे कि रशिया की तरफ क्या आए थे? क्रिस्टल्स, राइट? और लेफ्ट से क्या आए थे? तो आपको ना अपना माइंड, जैसे आपका जो भी वर्क करे ना, आपको उस हिसाब से कर देखना है। ठीक है, इधर मार्स आया है और इधर आया है लव। कितनी दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें आई है, मार्स और लव दोनों एक साथ आया है, तो उसका हम क्या समझेंगे? लव इज टूवर्ड्स क्या है? पाकिस्तान के पास इधर चाइना, चाइना के बीच में क्या मैम, कजाकिस्तान? मार्स का मतलब है प्यार से मारेंगे। पॉसिबली जो आपको समझना है प्यार से, लेकिन देखो लव भी है, बिकॉज वहां पे सारी चीज, जो कुछ ही लोग है ना जो ऐसी चीजें फैला रहे हैं, हम लोग हो सकता है कि एक बार प्यार से मारना, यही कह मैम सकते हैं कि इंडिया हम की पॉलिसी ही आएंगे प्यार से प्यार मारना। से उनको ये कह डराने के बाद ये कह सकते हैं कि भाई हमारे साथ रहिए, मतलब डोंट डू एनीथिंग अगेंस्ट अस। मैम लव प्यार से मारना इंडिया की पॉलिसी है। आप देखिए, आप श्रीलंका में जो इतना अहंकार है, तो हाँ इनडायरेक्टली वो जो हेल्प दे रहा है वो प्यार से ही तो मार रहा है, जिससे बिल्कुल कि श्रीलंका बिल्कुल, हमारे फेवर में हो। अब इसकी अगर मैं करें तो ये पाकिस्तान श्रीलंका के लिए हो सकता है, तो प्लूटो आया श्रीलंका की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं श्रीलंका के लिए क्या क्या नहीं है भाई। अगेन द डार्कर इंपल्सेस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, वेदर इट्स नॉट गुड विद श्रीलंका। समझ आया? प्लूटो आया है टुवर्ड्स श्रीलंका, दिक्कत है। तो इस तरीके से यू विल प्रिडिक्ट, ये सर्कल के साथ है। ऐसे ही आप पता है, जो अच्छे आप समझो हीलर्स होते हैं ना, उनको ना कुछ नहीं चाहिए होता, सिंपल सर्कल से भी ना हम लोग सिर्फ सिंपल सर्कल लिथोमेंसी कर सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, लाइक इसे हम क्या करेंगे, ये टाइमिंग के लिए है। अब एनिमल क्या हो जाता है, एनिमल इस करंट सिचुएशन, ठीक है, वेजिटेबल को ग्रो होने में कितना टाइम लगता है? 5-6 महीने। तो ये वेजिटेबल पे अगर कोई आता है क्रिस्टल, तो इसका हम कहते हैं कि दिस द इवेंट विल हैपन विद इन 5 to 6 months और यू नो 8 months मैक्सिमम। और ये अगर मिनरल साइड अगर आता है तो इवेंट्स इन अ लॉन्ग रन अराउंड 5 to 10 years में इवेंट क्या होंगे। ठीक है, ओके, इस टाइप से होता है ये एनिमल वेजिटेबल एंड मिनरल फील्ड। और एनिमल में क्या होता है? एनिमल में जो अभी करंट में सिचुएशन है, अभी क्या होगा? नेक्स्ट ये आता है, ये भी बहुत अच्छा है, अगर किसी को पर्सनली, हम पर्सनल ग्रोथ है इसके बारे में कि माइंड बॉडी एंड स्पिरिट किसके कितने किस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम उसके लिए ये सब कर सकते हैं। आप अगेन यू विल थ्रो द क्रिस्टल्स, तो आप देखेंगे कि माइंड पे क्या, आपके माइंड पे क्या इफेक्ट है, स्पिरिट पे क्या इफेक्ट है एंड बॉडी पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा एलिमेंट वाला है ना क्रिस्टल सेट, वो यूज करेंगे, जहाँ जिसमें हमने अर्थ वाटर फायर, वो क्रिस्टल सेट इसके ऊपर यूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे हमें माइंड स्पिरिट बॉडी, अगर बीच में आया है तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट का क्या हाल है, हालात है, व्हाट इज द गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और जैसे ये वाला है बोर्ड, अब ये क्या है, अब हम देखते हैं 4 directions के लिए। अब हर डायरेक्शन हमारे कुछ ना कुछ कनेक्ट करती है ना, बस हमने डायरेक्शन ले ली। सपोज अगर आपको गाइडेंस चाहिए अबाउट योर जनरल लाइफ, तो आपने वैसे ही डाल दिया 4 directions। अब नॉर्थ क्या कहेगा? नॉर्थ इज ऑल अबाउट दी कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है करंट में, जो अपॉर्चुनिटीज है इज अबाउट योर नॉर्थ, आपकी नॉट, जैसे हम उसको वाटर एलिमेंट से करते हैं, एंड वो एलिमेंट वाटर एलिमेंट होता है जो डार्क, जो रात के वक्त पानी होता है ना, वो होता है नॉट, तो डार्क साइड ऑफ वाटर, ब्लैक वाटर है ना, रात को तो पानी काला ही दिखता है,
कितनी स्ट्रेंथ है, हार्श कंडीशंस, अर्थ ठंडा, रात का पानी ठंडा होता है ना तो विंटर से एसोसिएट किया इसे। ईस्ट में क्या होगा, एयर, बिगनिंग्स, फ्रेश, सूर्योदय होता है, जब सूर्योदय होता है तो हवा चलने लगती है, फ्रेश बिगनिंग्स होती है, फ्रेश स्टार्स होते हैं, तो अगर उसके लिए चाहिए तो आपको क्या होगी। वेस्ट है, सनसेट होता है, एंसेस्टर्स, एल्डर्स, रिटायरमेंट, प्लेजर, मतलब एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ चीजें, चेंज, अगर कुछ हमने देखना है कि व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट, उसका चेंज कैसे होगा, तो वेस्ट। साउथ क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट फायर, मिड डे, गोल्स, अचीवमेंट, राइट। तो इससे अगर हमें इन चीजों के बारे में निकालना है तो हम ये वाला बोर्ड लेंगे। तो ऐसे आप कितने बोर्ड खुद भी बना सकते हो। ये वाला बोर्ड है फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, कुछ ही बनाओ, मतलब देयर इज नो एंड। वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी और आपकी अपनी कंफर्टेबिलिटी है, बस आप ये क्रिस्टल सेट बनाइए और जितना जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे ना उतना उससे आप कनेक्ट होते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस और आपकी कनेक्टिविटी, ठीक है। दिस इज लिथोमेंसी, कि क्रिस्टल्स को एज अ डाइस यूज करते हैं, हमारे पास बोर्ड होता है, हम उसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, सिंपल, जितना मैक्सिमम आपको मालूम है। कुछ लोग तो जो पत्री का टेबा होता है उसी पे बना के डाल देते हैं कि कौन सा हाउस में कौन सा क्रिस्टल जा रहा है, उससे फिर वो प्रेडिक्शन देते हैं। अब सबकी अपनी अपनी होती है। तो लिथोमेंसी इज वेरी स्वीट टेक्निक, करेक्ट होती है काफी हद तक, जितना कनेक्ट करेंगे उसकी प्रैक्टिस उतना आप कनेक्ट करेंगे और यू विल बी प्रोफिशिएंट इन दैट। तो प्लीज प्रैक्टिस इट, कहने को इसकी बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, बट ये है ही इतनी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा इसके बारे में समझेंगे, सिंपल। और कुछ लोगों का पूरा फुल टाइम फुल फेच प्रोफेशन लिथोमेंसी होता है, वेस्टर्न कल्चर्स में, वेस्टर्न कंट्रीज में फुल टाइम प्रोफेशन है लिथोमेंसी, दे आर लिथोमेंसर्स, तो वो सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं थ्रू दिस टेक्निक, ठीक है। तो स्टोन डिविनेशन का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सबको समझ आया, जो कुछ पूछना हो तो आप बताइए। बॉडी माइंड सोल वाला क्या था, वो कैसे करें? किसका? बॉडी माइंड एंड सोल वाला जो आपने दिखाया। देखिए स्पिरिट, स्पिरिट बताया था, आपकी अपनी खुद की नीड्स, आपके जो कम्युनिकेशन पे डिवाइन होता है, ठीक है। सोल आप ले सकते हैं, सोल्स है हमारा ना इसके अंदर, बॉडी माइंड सोल स्पिरिट है। ह्यूमन स्पिरिट मैम, ये जो थर्ड वाला आपने दिखाया ना मैम, जो बोर्ड दिखाया था थर्ड वाला। अच्छा, पे मैम जैसे आता है तो उसको ये वाला, हां मैम, इससे क्या समझते हैं बॉडी माइंड स्पिरिट वाले से? मैं देखिए माइंड की आप ये और एक लेवल ले सकते हैं, माइंड कौन सा और एक लेवल हो गया आपका, आपको कौन सा और एक लेवल हो गया, मेंटल लेवल हो गया ना, माइंड इज मेंटल लेवल, जो सबकॉन्शियस लेवल से हमारा कनेक्ट होता है, ठीक है, मेंटल लेवल है माइंड हमारा। स्पिरिट कौन सा है आपका, एस्ट्रल लेवल। बॉडी कौन सा है, एथरिक लेवल, कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज आपकी कितनी आपका साथ दे रही है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। और अगर वो बीच में आता है इसका मतलब यहाँ पर अगर जो क्रिस्टल्स आते हैं, तीनों एनर्जी जब मिल जाती है और उनकी एक साथ एनर्जी की क्या कंडीशन है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, दिस इज फॉर द पर्सनल सेल्फ, या फिर किसी के बारे में आप, कि कुछ लोग कहते हैं ना मन नहीं लग रहा, परेशान हो रहे हैं, कोई बात नहीं है फिर भी कुछ है, तो आप इसके ऊपर आप करिए, पता चलेगा कि कहाँ पे परेशानी है, बॉडी माइंड या स्पिरिट पे। मैम जैसे कि एग्जांपल इसका माइंड, किसका देखिए किसकी कंडीशन लिखे,
बताइए डॉक्टर रोनकी, देखते हैं व्हाट इज योर द कंडीशन ऑफ योर बॉडी माइंड एंड सोल, ठीक है? क्या मैम, व्हाट इज द कंडीशन एंड व्हाट इज द गाइडेंस फॉर योर माइंड बॉडी एंड सोल? मेरे हाथ में जितने हैं मैं बस वो भी रोल करूं। अब ठीक है आवाज जी? जी अब देखिए कौन से आए, कुछ नहीं आपके सिर्फ सोल पे कुछ नहीं आया, देयर इज नो गाइडेंस फॉर द सोल, आपकी माइंड के लिए आया है और आपकी बॉडी के लिए आया है, बॉडी के लिए बिकॉज दिस इज मर्करी, ठीक है? मर्करी किस किस चीज से रिलेट करता है बताइए, एंड आपका ये है मूड माइंड के लिए परेशानी है, यू नीड मोर मच काम एंड पीस, ठीक है? दिस इज द गाइडेंस फॉर योर मेंटल बॉडी। मैम फिर से बताइए, मैं मेंटल बॉडी आपके देखिए मून आया है मेंटल बॉडी पे ना, सिर्फ मून आया है क्रिस्टल जी, तो दिस इज द गाइडेंस, यू नीड मच कामनेस, आपको कामनेस चाहिए, यू नीड टू डू मोर ऑफ द मेडिटेशंस, अभी आप परेशानी में हो वहां से, यू आर थिंकिंग यू नो बहुत ज्यादा लेवल पे थिंक कर रहे हो आप, तो और मे बी मून आया है माइंड के साथ तो आपको ये गाइडेंस आ रही है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप परेशान हो, लेकिन टू यू नो फॉर अ सेशन यू नीड मोर मेडिटेशन, फॉर अ सेशन नॉट नेसेसरीली यू आर डिस्टर्ब, दिस ये गाइडेंस ये भी है। माइंड के लेवल पे मून आया है तो गाइडेंस हमने मांगी थी कि प्लीज हमें गाइड कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, तो दिस इज इट, डू मोर मेडिटेशन, डू मोर रिसर्चेस, है ना, गो टूवर्ड्स ऑकल्ट, मोर टूवर्ड्स ऑकल्ट, जो जिस लाइन में हो आप उसको और करो और आगे चलो और एक्सेल करो, दिस इज योर टाइम टू ग्रो मेंटली, मेंटल ग्रोथ है ये बेसिकली अगर हम कहा जाए तो एक तरीके से। सेकेंड बॉडी पे आइए, मर्करी आया है बॉडी पे तो मर्करी इज अबाउट, वैसे भी हेल्थ का प्लेनेट होता है मर्करी, ठीक है? तो ईट मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, गिव योर सेल्फ मोर ग्रीन वेजिटेबल, जो मतलब और क्या हो सकता है मर्करी के, और क्या हो सकता है बताइए, कम्युनिकेशन, ठीक है? थ्रोट चक्र, अरे थ्रोट चक्र, इसका मतलब थ्रोट चक्र में कोई प्रॉब्लम है आपकी? हाँ मैम थोड़ा सा खराश थी, हम देखिए आवाज में इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, देखिए जो बॉडी पे एथिक लेवल पे आया, अच्छा हाँ खराश आ गई ना एथिक, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक लेवल, तो मैं कुछ दिनों से थ्रोट, वर्क ऑन योर थ्रोट, थोड़ा सा उसके ऊपर देखिए क्या करना है आपको, क्या करेंगे वर्क ऑन योर थ्रोट, क्योंकि हाँ जी मर्करी इंटेलिजेंसी नहीं, मर्करी अभी इंटेलिजेंस हम इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि बॉडी लेवल पे आया है, एथिक लेवल पे जो इंटेलिजेंस होगा फिर वो माइंड और मेंटल लेवल पे आ जाता है ना, तो ये बड़ा डिफाइंड है पैटर्न, और आपकी कॉम्बिनेशन में भी कोई नहीं आया तीनों की कॉम्बिनेशन में, तो मैं माइंड में मून आया तो मून चंचलता का भी तो निशानी है। हाँ मून चंचलता की, लेकिन मून इज अभी देखिए इफ आई एम डूइंग द डिविनेशन तो जो मेरे को इनके लिए गाइडेंस आएगा ना मैं वही बोलूंगी, तो मुझे भी इनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है कि शी शुड गो मोर टुवर्ड्स मेडिटेशन, शी शुड डू मोर ऑफ इट because this might be her time of a session, so this is the guidance for you,
मैं पहले इसको रिलेट करने की कोशिश कर रही थी कि आप हो सकते हैं परेशानी में हो, टेंशन में हो, लेकिन वो ना मतलब दैट थिंग इज नॉट, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दैट थॉट. जो आपके लिए मुझे जो गाइडेंस आ रही है टुवर्ड्स द मेडिटेशन होंगी, डू मोर ऑफ इट. अब बॉडी लेवल पे क्या है, मर्करी आ रहा है, मर्की थ्रोट चक्र हो गया, तो आप अपने थ्रोट पे वर्क कीजिए. मे बी कोई आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो बिफोर दैट ना डू समथिंग अबाउट इट. इट्स बॉडी लेवल, तो ना तो हम इसको सोल से कनेक्ट करें ना माइंड से कनेक्ट, हम किसी भी लेवल पे कनेक्ट ना करके सिंपली आपकी बीमारी के लिए देख लो. ठीक है, हम कुछ दिनों से मैम थ्रोट में प्रॉब्लम है, तो वो थ्रोट का. हां ओके, तो फिर आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए. ये गाइडेंस बेसिकली आपके लिए गाइडेंस आई है, हमें पता चल गया कि बॉडी के लिए क्या गाइडेंस है, माइंड के लिए अलग गाइडेंस है, सोल के लिए अलग गाइडेंस है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन. जी जी, सेंटर में जैसे कुछ हो तो उसको कैसे रिलेट करेंगे? सेंटर का अगर सपोज कीजिए ये आता मैजिक वाला सेंटर में आता. ठीक है, इसका मतलब मैजिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारी नॉलेज में नहीं है समथिंग विल हैपन. तो इनका कॉम्बिनेशन माइंड बॉडी और सोल सबका कॉम्बिनेशन ही हम लोग हैं. अभी वी आर, जो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए, वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड बॉडी. तो एज अ होल आपके लिए क्या है कि यू विल, यू नो, यू विल बी डीलिंग विद सम मैजिक. आपके साथ कुछ होगा, ऐसा होगा, इंस्टेंस होगा कि आपके, देखो मैजिक होते हैं बेटरमेंट के लिए होता है, कोई खराब चीज होती है उसको मैजिक नहीं बोलते ना. जो चीज अच्छे के लिए होती है आगे, जो हमें अच्छी लगती है हमारी प्रोग्रेस के लिए होती है, जो हमें जिसकी नॉलेज नहीं होती वो हो जाती है, दैट इज मैजिक. तो समथिंग विल हैपन आउट ऑफ ब्लू विच यू कैन नेवर एक्सेस, वो आपके साथ होगा. ठीक है, माइंड हम कॉम्बिनेशन में रहेंगे कि एज अ होल. मैम इसमें पूजा भी आ सकता है ना मैम, जैसे मेडिटेशन है या कल्ट है या आपका रिलीजियस प्रैक्टिसेस है मैम, वो भी होता है. देखिए आप जिससे रिलेट करते हैं, आप जिससे भी रिलेट करते हैं, व्हाटएवर इट इज, आपको देखो ये तो सारे पाथ है ना अलग अलग, पूजा एक पाथ है ना, आप जिससे इस वक्त रिलेट कर पा रहे हैं ना, इट इज दैट. ठीक है, गुड, इजी है ये, बहुत इजी और मजेदार है. मैम इसमें सिट्रीन वाले करने ना मैम, इसमें एलिमेंट्स वाले करने, माइंड बॉडी सोल एलिमेंट्स वाले. हाँ जी बोलिए. हम अलग अलग चार्ज पे अलग अलग ग्रुप समय करने हैं, जैसे कि हम लोग माइंड बॉडी स्पिरिट में कर रहे हैं तो उसमें एलिमेंट्स वाले. इसमें सिट्रीन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे इसमें एलिमेंट्स चाहिए थे, मुझे एलिमेंट्स ज्यादा चीजें बता पाते, एलिमेंट्स एंड प्लैनेट्स मुझे ज्यादा चीजें. दो इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आया नहीं है, आया तो प्लैनेट ही है, मर्करी एंड मून. आपके लिए जो गाइडेंस थी वो आ गई, और मैंने सारे भी नहीं डाले इसके अंदर क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग इज, क्योंकि मुझे थोड़ा ही चाहिए, मुझे सारे नहीं. जब मैंने अपने राइट हैंड से इसको चार्ज किया कि आपका क्वेश्चन पूछा, लेफ्ट हैंड से जो गाइडेंस आनी थी मैंने वो लिया कि प्लीज गिव, रिसेप्टिव होता है ना लेफ्ट हैंड, प्लीज गिव मी द गाइडेंस, जो भी गाइडेंस के लिए किसके लिए, वो अपना बिना देखे मतलब मुट्ठी भर के उठाया और डाल दिया. अच्छा, सिंपल, राइट हैंड से चार्जिंग करनी है, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से हम अपना क्वेश्चन उसको, क्योंकि देने वाला होता है, हमने अपनी इंटेंशन दी थी क्रिस्टल्स को, हमने पूछ लिया देखो दिस इज माय क्वेश्चन, अब देखो प्लीज अब्सॉर्ब माय क्वेश्चन. लेफ्ट हैंड से हमने लिया, अब नाउ गिव अस द आंसर, लेफ्ट हैंड से आंसर ले लिया हमने, लिया. ठीक है, यस, थैंक यू. एंड हमने देखिए लास्ट क्लास का और इस क्लास का हमारा देखिए अगर हम सम अप करें तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि व्हिच एवर टेक्निक वी आर यूटिलाइजिंग दे आर गिविंग द एग्जैक्ट आंसर्स. पार्टीज लाइक चेतना जी और वर्तिका जी साथ ही थे लास्ट क्लास में भी, है ना. चेतना मैम, वर्तिका मैम, आप यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो. हमने जो जो क्वेश्चन पूछे, अब जैसे हम इंडिया का भी देख रहे हैं, यूक्रेन का भी देख रहे हैं, और आपका देखा रोनर जी, डॉक्टर रोनर, तो सारे क्वेश्चन और बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट रिलेट कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है जो रिलेट नहीं करती. तो मुझे तो इन चीज़ों पर इतना ज्यादा विश्वास है, प्रैक्टिस, और आप लोग जब कनेक्ट हो जाते हैं ना तो आपके आंसर एकदम परफेक्ट निकलते हैं. ठीक है, इट कैन बी अ टाइप, जैसे हम रूनस करते हैं, जैसे हम टैरो करते हैं, है ना, इट्स, वो भी तो एक डिविनेटरी टेक्निक्स है ना, ये भी एक डिविनेटरी टेक्निक्स है, यू आर गेटिंग आंसर्स फ्रॉम द डिवाइन. और मेरी विजुअलाइजेशन क्या होती है, आप भी देखिए ऐसे हर क्रिस्टल में अपनी एक एंजल होती है, ईच एंड एवरी स्मॉल स्मॉलेस्ट क्रिस्टल. अगर एक छोटा सा ये चिप भी है, और इफ आई एम यूजिंग दिस चिप इन एनी डिविनेटरी टेक्निक, ठीक है, इस चिप में भी अगर मैं देखूंगी ना, इसके अंदर अगर मैंने इंटेंशन डाल दी कि इसके अपने अंदर अपनी एक अलग से इंडिविजुअल एंजल है, दिस क्रिस्टल इज वर्किंग इंडिविजुअली, और आपको ये काम करेगा क्योंकि सच में इसके अंदर कॉन्शियसनेस है अपनी खुद की, जिसको हम एंजल कहते हैं, दे आर द एंजल्स एंड दे विल वर्क फॉर यू. बहुत हाई इंटेंसिव एंजल्स होते हैं, तो जब भी आप इनके साथ कोई भी काम करेंगे तो आप उतने ही इनको एक रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि आपके पास कोई एंजल है तो आप उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे.
यू गिव देम रिस्पेक्ट, उसी हाई रिस्पेक्ट से आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसी हाई रिस्पेक्ट से आपको आंसर मिलेगा. ओके, तो ये खुद बहुत वंडरफुल टेक्निक है. स्टोर देम वेरी ब्यूटीफुली, अच्छे से रखिए उनको. वे आर योर फ्रेंड्स, सारी क्रिस्टल्स, सारी एंजल्स आपके साथ एक साथ है, आपके फ्रेंड्स हैं. ठीक है मैम, जो पाउच में से बता रहे थे वो कैसे करते हैं? पाउच एनी पाउच टाइप का मैम, इसमें ऐसे रख लें और फिर क्वेश्चन पूछ के निकाल भी लेते हैं. शफल कीजिए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से, रिसीव कीजिए आंसर्स और जो आपके हाथ में क्वेश्चन आते हैं निकाल लीजिए. ठीक है, पाउच कैन बी बिगर, ये तो मेरे पास छोटा पाउच था अभी तो इसलिए मैंने छोटा, इट कैन बी बिगर जो बड़े आते हैं पाउचेस. इसके अंदर वैसे तो 50, जैसे आप लास्ट क्लास का आप वीडियो देखेंगे, हम करते हैं 50 क्रिस्टल्स डिविनेशन, तो 50 क्रिस्टल्स एक साथ रखते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं. ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पास 50 क्रिस्टल की पोटली बना ली, ठीक है, उसको अच्छे से चार्ज कर दिया, अपने बेड साइड पे रखिए एवरी डे आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, फ्रॉम यू नो नॉट इवन गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, आफ्टर ओपनिंग योर आईज दे जस्ट केयर टेक द पोटली एंड टेक द क्रिस्टल ऑफ द डे, जो उनके लिए मैसेज देता है. The angels are working with them. उनके लिए जो मैसेज होता है पूरे दिन का, they just take out one crystal, that is the message of the day. They follow. ठीक है? This is very beautiful. तो ये है, ये था हमारा stone divination. I hope सबको मजा आया होगा, सबको अच्छा लगा होगा. It is very good. Please do practice it. बहुत छोटी सी technique होती है. Just जब आप इससे connect हो जाते हो तो बहुत आराम से आपको answers मिलने लगते हैं. जैसे हम dowsers के साथ काम करते हैं, वो भी एक डिविनेशन है. डाउजिंग इटसेल्फ इज अ वेरी गुड, वेरी बिग डिविनेटरी टेक्निक. सिमिलर वे ये भी सारी डिविनेटरी टेक्निक्स है. ठीक है, अब